हे एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कैसे आप सभी, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो टाइटल देख के आप लोग को पता लग गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो है सिंपल हाउस वाइफ मेकअप लुक। तो इस वीडियो में जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, ज़रूरी नहीं आप वही यूज़ करें, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस वॉश के बाद आप टोनर लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टोनर आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। तो मैं यहाँ गुड वाइब्स का टोनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। आप जितने अच्छे से अपना स्किन केयर करोगे, मेकअप उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतना स्मूथ दिखेगा, आपका बेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहेगा। अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ करूँगी। प्राइमर मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करूँगी। ये एक शिमरी वाला प्राइमर है। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है। मैं ये इसे अपने ऑयली एरिया पे अप्लाई करूँगी, टी जोन एरिया पे, जहाँ जहाँ आपको ऑयल आता है। आप फुल फेस पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको 5 या 6 मिनट रुकना है, उसके बाद ही आपको फाउंडेशन लगाना है। मैं यहाँ यूज़ करूँगी मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन दिस शेड वार्म न्यूड। अगर आप चाहें तो आपको अगर फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है तो आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डॉट डॉट करके अप्लाई करेंगे अच्छे से, क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता है और हमें पता लग जाता है कितना हमें अप्लाई करना है। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे अप्लाई करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर से आपको डैबिंग मोशन में फाउंडेशन को अप्लाई करना है। ये फाउंडेशन फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है, आप फ़र्क देख सकते हैं। अभी देखिए, आप फ़र्क देख सकते हो अभी। अब मैं फाउंडेशन को दूसरे साइड भी अप्लाई करूँगी अच्छे से, डैब डैब मोशन में ही। आपको उसे घसीटना नहीं है, उसे डैब डैब मोशन में करोगे तो बहुत ही अच्छे से अप्लाई होगा, बहुत स्मूथ दिखेगा। फेस पे तो फाउंडेशन लग गया है, पर मैं नेक एरिया पे फाउंडेशन लगाना भूल गई थी, क्योंकि नेक एरिया और आपकी स्किन जो है इक्वल दिखनी चाहिए, वो अलग से ना दिखे। इसलिए आप थोड़ा सा फाउंडेशन जो है नेक पे भी लगा लें और उसे भी इसी मोशन में अप्लाई करें। पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, क्योंकि मेरी बेटी अब बोलना सीख गई है, तो इसलिए वो बोलती रहती है। अब चलिए, मैं यहाँ पर अब ब्लश यूज़ करूँगी। हमें ब्लश ज़रा सा लेना है और स्माइल करना है और चेक एरिया पे अप्लाई करना है। ब्लश लगाने से अलग सा ग्लो आ जाता है आपके स्किन पे, तो ब्लश तो आप ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा अपने नोज़ पे भी लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। ये डे टाइम का मेकअप लुक है, तो मैं ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई नहीं करूँगी। इससे बहुत ज़्यादा शिमरी हमारा फेस दिखता है, हमें बिल्कुल नेचुरल रखना है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर लगाने से आपका जो मेकअप है बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब मैं यहाँ कर लिए, मैंने बिंदी अप्लाई, बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी लग गई है, मैं कर लूँगी उसे सीधा। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये रेड कलर की लिपस्टिक है, ये मैट लिपस्टिक है। मैट लिपस्टिक लगाने से वो दिन भर फैलती नहीं है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, इसलिए मैं डे टाइम में मैट लिपस्टिक लगाती हूँ। हमारे लिपस्टिक लग गई है, हम लगाएंगे काजल। काजल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे दिख गया कि मेरी बिंदी सीधी नहीं लगी है, तो मैंने बिंदी सीधी कर दी। तो चलिए, अब मेरा मेकअप हो गया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं अपने आईलैश को कर्ल करना भूल गई थी, पर आप अपने आईलैश को कर्ल करके मस्कारा अप्लाई करें। और मैं यहाँ पे बाल बना लूँगी। मैंने इस लुक के लिए अपनी चोटी बनाई है, आप चाहें तो बाल खुले भी रख सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।